हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट होता है और इसकी कंप्लीट थ्योरी विद न्यूमेरिकल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकेंड मेथड हम डिस्कस करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आपने पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड को चेक कीजिए, उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट मेथड वाली वीडियो देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उसके बाद हमारा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सेकेंड मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले हम पता करते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। पहली बात तो तीनों ही मेथड हैं वो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हैं। जब भी हमें गुडविल के वैल्यूएशन निकालनी हो, वैसे तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और हम गुडविल के वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, फिर भी हम यूजली तीन मेथड्स को यूज़ करते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। फर्स्ट होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट वो जो सुपर होगा, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा ही होगा उसके अंदर। तो सुपर प्रॉफिट वो होता है जो एक्सेस ओवर एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। वो हमारा क्या होता है सुपर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो हमारा एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अगर किसी भी फर्म के पास सुपर प्रॉफिट, मतलब किसी भी फर्म के पास कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं है एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट से, कोई एक्सेस प्रॉफिट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं है, तो इसका मतलब उस फर्म की कोई गुडविल नहीं है। तो इसी एक्सेस प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, जो कि हम गुडविल के वैल्यूएट के लिए, जो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हम काम करते हैं सुपर प्रॉफिट पर। तो सुपर प्रॉफिट होता है एक्सेस ओवर एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई भी दो फॉर्म है, ए फॉर्म है और बी फॉर्म है। अभी जो ए फॉर्म है वो 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल ने लगाई है और बी फॉर्म ने भी 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाई है, और दोनों फॉर्म सेम टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, मतलब दोनों फॉर्म का जो बिज़नेस है वो सेम है, और दोनों फॉर्म का जो रेट ऑफ़ रिटर्न है वो कितना 10%। ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों फॉर्म जो हैं वो अपने कैपिटल का 10% प्रॉफिट कमाएंगे। जितना भी वो अपने कैपिटल लगाएंगे उसको 10% प्रॉफिट, उनको एवरी ईयर 10% प्रॉफिट तो होता ही होता है, मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ़ रिटर्न निकल के आ गई हमारी 10%। तो उस हिसाब से ए फर्म है, अभी ए फर्म ने 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाई है, तो 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल पर 10% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए फर्म को, तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 10,000। ठीक है, वैसे ही इस केस में भी बी फर्म में भी वो 1 लाख की कैपिटल लगा रही है फर्म, और तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए 10,000। पर जो एक्चुअल प्रॉफिट है नॉर्मल, ऐसा मतलब ये तो एक एक्सपेक्टेड है ना कि 10% प्रॉफिट होगा ही होगा, तो नॉर्मल तो 10% है, ये 10 तो हमें होगा ही होगा, पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया उस फॉर्म का। एक फॉर्म का एक्चुअल प्रॉफिट हमारा आ गया 25,000, और जो भी बी फॉर्म है उसका एक्चुअल प्रॉफिट 10,000 ही है, उसका एक्चुअल प्रॉफिट 10,000 ही है, और जो ए फॉर्म है उसका एक्चुअल प्रॉफिट 25,000 है। तो अभी इस केस में क्या हुआ कि जब कोई फॉर्म है जिसने कोई नॉर्मल प्रॉफिट से या अपने एक्चुअल प्रॉफिट से कोई एक्सेस अर्निंग नहीं की, मतलब नॉर्मल 10,000 उनको जो है 10,000 ही उनको अर्निंग थी उनकी और 10,000 एक्चुअल है, तो मतलब कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं है, तो यहाँ पर कोई गुडविल नहीं है। पर जहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ एक्स्ट्रा है, एक्चुअल से जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। जब भी नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ एक्सेस होगा एक्चुअल में, तो वो क्या होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। तो इसी से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, या तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन हो क्वेश्चन में, या फिर हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन हो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया हमारा एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे अभी
इस केस में क्या हुआ कि ए फर्म जो है, ए फर्म ने 1 लाख की कैपिटल लगाई थी, नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 रुपीज़ था, कि 10,000 जो प्रॉफिट है वो तो होगा ही होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी 10% रहती है एवरी ईयर, और एक्चुअल हो गया फर्म को 25,000 का, मतलब नॉर्मल से क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर एक्स्ट्रा एक्चुअल से कुछ, एक्चुअल से जितना भी ज़्यादा होगा तो वो हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। तो एक्सेस ओवर एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। अभी आप में एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना, 25,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10,000, तो सुपर कितना हो गया, 15,000। तो 15,000 इज द एक्सेस ओवर एक्चुअल प्रॉफिट। 15,000 है वो एक्चुअल प्रॉफिट से 15,000 ज़्यादा है। तो ये हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हो गया, साथ साथ हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया कि कैसे कैलकुलेट होगा सुपर प्रॉफिट। तो जो भी हमें नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी एक्स्ट्रा होगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, वही हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। और फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पर अभी मेन बात क्या है, हमें क्या, किसकी वैल्यूएशन निकालनी है, हमें गुडविल की। मेथड तो हमारा, हम मेन गुडविल के लिए ही निकाल रहे हैं। तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एवरेज मतलब वैसे सेम सुपर प्रॉफिट मेथड में है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट जितना भी होगा उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, सिंपली निकल जाएगा। ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया और हमारा हो गया गुडविल। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्चुअल माइनस नॉर्मल या फिर एवरेज माइनस नॉर्मल, और गुडविल का जैसे यहाँ पर एवरेज था तो यहाँ पर सुपर आ गया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। अभी सुपर प्रॉफिट तो निकल गया एक्चुअल और एवरेज, एक्चुअल हमें गिवन होंगे तब सही है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता है। अभी मेन क्या रह गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट। किसी क्वेश्चन में तो नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन होता है, पर किसी क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्ट ना गिवन हो तो फिर वहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सुपर प्रॉफिट में हमारे 3 फॉर्मूले आते हैं, एक तो नॉर्मल का, फिर सुपर का और फिर गुडविल का। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड हुई है, जितने भी कैपिटल उन्होंने लगाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 लाख लगाई थी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, बाय में 100, तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारे टोटल 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, उसके बाद सुपर प्रॉफिट का, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद गुडविल का, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यहाँ पर भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेशन हमने की है कि जब 1 लाख की कैपिटल थी तो 1 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न 10 बाय 100, तो 1 लाख का 10% कितना आ गया हमारा, 10,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया, तो हम क्या निकाल लेंगे, फिर गुडविल निकाल लेंगे। तो सिंपली 3 फॉर्मूले थे, समझ में आ गए होंगे, मतलब सिंपली हमने डिस्कस किया है सुपर प्रॉफिट का, गुडविल का और नॉर्मल प्रॉफिट का। एक एग्जांपल भी डिस्कस हो गया, अब हम इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से गुडविल निकाल के देखते हैं कि गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इन 3 फॉर्मूलों को यूज़ करके। तो अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स एज फॉलोज। हमें 7 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। 2019 में हुआ 20,000 का प्रॉफिट, 2010 में हुआ 17,000 का लॉस, 2011 में हुआ 40,000 का लॉस, 12 में 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 13 में 270 का प्रॉफिट, 2014 में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और 2015 में 3,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रखा है कि द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज़ ₹12 लाख। कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हुई हमारी 12 लाख। उसके बाद है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, मतलब दूसरा जो सिमिलर टाइप बिजनेस है, जो सेम बिजनेस कर रहा है, उसका रेट ऑफ रिटर्न भी कितना है बिजनेस का, 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया हमारा 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द 7 ईयर्स। हमें सुपर प्रॉफिट्स, एवरेज सुपर प्रॉफिट्स के बेस पे क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होंगे, और सुपर प्रॉफिट्स को कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का। अब इस क्वेश्चन में ना तो हमें कोई एवरेज प्रॉफिट गिवन है और ना ही हमें नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, तो मीन्स हमें दोनों प्रॉफिट्स पहले कैलकुलेट करने होंगे, एवरेज प्रॉफिट भी और नॉर्मल भी, उसके बाद सुपर निकलेगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ सॉरी टोटल ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अभी हमारे पास कितने ईयर्स हैं, 7 ईयर्स हैं, ए फर्म नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स। तो हमारे पास कितने साल के प्रॉफिट्स हैं, 7 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं। तो पहले हम इन 7 साल के जो प्रॉफिट्स हैं इन सबको ऐड करेंगे और जो लॉस है उसको लेस करेंगे, डिवाइड बाय 7 मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो 2019 में हमें हुआ है 20,000 का प्रॉफिट, उसके बाद 10 में हमें 70,000 का लॉस हो गया तो हमने उसको माइनस कर दिया, फिर हमें 11 में 40,000 का लॉस हो गया तो हमने उसको भी माइनस कर दिया, 12 में हमें 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2013 में हमें 2,70,000 का प्रॉफिट हुआ है, 14 में हमें 3,00,000 का प्रॉफिट हुआ है और 15 में हमें हुआ है 3,20,000 का प्रॉफिट। मीन्स जो भी हमें प्रॉफिट्स गिवन थे तो हमने उनको ऐड कर दिया और जो लॉस गिवन थे हमने उसको लेस कर दिया। तो 7 ईयर्स के प्रॉफिट्स थे तो 7 ईयर्स के प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स तो डिवाइड बाय 7। तो ये हम इन सबको ऐड लेस करेंगे, 20-70-50-40-90, फिर हमने इन सबको ऐड किया तो हमारा आ गया 10,50,000 और डिवाइड बाय सेवन तो सेम टू सेम रहेगा, हमने सिर्फ ऊपर वाले को प्लस माइनस किया, तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 1,50,000 रुपीज़ क्या आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो अभी हमने किसकी कैलकुलेशन की है, एवरेज प्रॉफिट की। तो अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट तो हमारा निकल गया 1,50,000। अभी हमें क्या निकालना है इसके बाद, नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी हमने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकाला है 1,50,000, अभी हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 1,200,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड है और रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%। तो हम ऐसे निकालेंगे सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 1,200,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी है 10/100। तो ये हमारा आ गया 1,20,000। अभी 1,20,000 क्या निकल के आया है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,20,000। तो नॉर्मल भी निकाल लिया हमने, एवरेज भी निकाल लिया। नॉर्मल और एवरेज के बाद क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा 50-120, 30,000 क्या निकल के आ गया हमारा, सुपर प्रॉफिट। आराम से निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना था पहले, फिर नॉर्मल, उसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा, सुपर। क्योंकि सुपर का फॉर्मूला ही है एवरेज माइनस नॉर्मल या एक्चुअल माइनस नॉर्मल। अभी ना तो हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट गिवन था तो हमें क्या लेनी थी, एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, अब माइनस करेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट को। तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट हमने पहले निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 के करके, तो सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हम निकालेंगे गुडविल, क्योंकि मेन तो हमें उसी की कैलकुलेशन करनी थी। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो सुपर प्रॉफिट हमारे सिंपल है 30,000 के मल्टीप्लाई, अभी नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था हमारा, यहाँ पर था
टू एंड हाफ ईयर्स, तो इसको हम ऐसे लिखें टू एंड हाफ, या इसको हम ऐसे लिखें 30,000 मल्टीप्लाई टू इंटू 1/2 है, तो मीन्स इसको हम 5/2 भी लिख सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर लो आप, दोनों से आंसर निकल जाएगा हमारा। तो ये हमारा आ गया 75,000 रुपीज़। क्या निकल के आ गई हमारी? गुडविल। दोनों से निकालोगे आप, दोनों से 75,000 रुपीज़ निकलेंगे। तो हमारी क्या निकल के आ गई? गुडविल। बिल्कुल सिंपल था भाई गुडविल निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी मेन बात क्या है? सुपर प्रॉफिट निकालने की। तो उसके लिए हमें निकालना है एवरेज माइनस नॉर्मल। अभी एवरेज भी निकालना था क्वेश्चन के अंदर और नॉर्मल भी, हमने दोनों को अलग अलग से निकाला, डिटेल में डिस्कस किया कि भाई आपको कोई दिक्कत ना आए किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो हमारा निकल गया सुपर प्रॉफिट। एक और बात, हमें किसी किसी क्वेश्चन में क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होती है, पर किसी किसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं होती। तो वहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का एक फॉर्मूला होता है जब हमें क्वेश्चन में ना गिवन हो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। जिस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन होगी और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन में एसेट और लाइबिलिटीज़ गिवन होगी, तो हम एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। और अगर हमें ऐसे ही जैसे किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि हमें गुडविल गिवन होगी, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, तो मीन्स आप सेम फॉर्मूले अप्लाई करोगे जो हमने फॉर्मूले यूज़ की है। नॉर्मल प्रॉफिट का यूज़ किया है हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। और एवरेज का तो आपको पता ही है, सुपर प्रॉफिट का हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर गुडविल का होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सिंपल, कोई मतलब कुछ भी पूछ ले आपसे क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट निकालना पूछ ले, एवरेज निकालना पूछ ले, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पूछ ले, आप सेम फॉर्मूला को अप्लाई करके ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और किसी क्वेश्चन में एसेट लाइबिलिटीज़ गिवन है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली निकाल सकते हो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। आई होप आप सबको सुपर प्रॉफिट जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया इसी वजह से कि वो जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करने आए कि हमने कैसे यूज़ करना है उन फॉर्मूलों को। अब हम छोटा सा डिफरेंस करते हैं कि अभी हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड को। तो दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस, अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या मेन डिफरेंस है दोनों मेथड्स में। तो डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, सबसे पहले हम चेक करते हैं मीनिंग क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? इट इज़ द एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। जो भी हमारे पास्ट ईयर्स हैं उन प्रॉफिट्स की जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो क्या हो गए? हमारे एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के डेफिनेशन मतलब एक मीनिंग सामने क्या किया था कि एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज़्यादा होगा एवरेज प्रॉफिट, वो क्या होगा? हमारा सुपर प्रॉफिट। तो मीनिंग सिंपल है इनका, एवरेज प्रॉफिट मींस एवरेज पिछले पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स की, और सुपर प्रॉफिट्स मींस कि एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा वो नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है, कितना एक्सेस है, तो वो क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। अभी देखो एवरेज प्रॉफिट जब हमने मेथड किया था तो उसमें हमें कोई भी नीड नहीं थी कैलकुलेट करने की नॉर्मल प्रॉफिट को। हमने सिंपली जो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स थे उसके बेसिस पर हमने अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल के गुडविल निकाल ली। हमें नॉर्मल प्रॉफिट को नो नीड टू बी कैलकुलेटेड। पर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ही है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या, इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, जब भी हम सुपर प्रॉफिट मेथड्स को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो वही बात है कि नॉर्मल प्रॉफिट किस में, सॉरी नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट्स कहाँ यूज़ होगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। जब नॉर्मल प्रॉफिट की नीड ही नहीं है एवरेज प्रॉफिट में, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट्स का भी कोई फंक्शन नहीं होता एवरेज प्रॉफिट में। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के विदाउट, इसके बिना हम मतलब विदाउट इट सुपर प्रॉफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर कुछ फॉर्मूला ही हमारा सुपर प्रॉफिट का है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और जब हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही गिवन नहीं होगी तो फिर हम सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेलिवेंस ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। अभी कौन सा कहाँ यूज़ होता है, मीन्स कौन कौन से मेथड्स जो रेलिवेंट हैं
गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए। तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, देखो वो एवरेज प्रॉफिट मेथड तो यूज़ होगा ही होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो यूज़ होगा। हमने किया था गुडविल निकालने के लिए कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड में भी एवरेज प्रॉफिट का यूज़ है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मीन्स सुपर प्रॉफिट मेथड में भी एवरेज प्रॉफिट की नीड है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि एवरेज प्रॉफिट की नीड है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पर जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो सिर्फ या तो सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज़ होगा या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में यूज़ होगा गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए। तो फिर मीन्स वो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट की कोई नीड नहीं है हमें कैलकुलेट करने की। तो सिंपली जब भी हम गुडविल को वैल्यूएट करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट तो तीनों मेथड्स में यूज़ होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी। पर जो सुपर प्रॉफिट है वो सिर्फ दो मेथड्स में यूज़ होगा, या तो वो यूज़ होगा सुपर प्रॉफिट मेथड में या फिर वो यूज़ होगा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड में। तो हमने दोनों का डिफरेंस भी किया है कि कहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट की नीड है, कहाँ पर नहीं है, क्या मीनिंग है और कौन सा मेथड कहाँ रेलिवेंट है, कौन सा प्रॉफिट कहाँ कहाँ रेलिवेंट है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और साथ साथ हमने डिस्कस किया कि सुपर प्रॉफिट क्या है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, क्या मीनिंग है, कौन कौन से फॉर्मूलेज इसमें यूज़ होंगे। हमने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस किया है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए वीडियो तब भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं।